السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा है, नमूना है। यानी हम मुसलमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ें, देखें, समझें और वैसे ही अपनी जिंदगी को ढालें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, प्यारे नबी ने करके दिखाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह के हालात से गुजरे वो सब जो हमारे सामने रहेगा तो ही हमारी ज़िंदगी अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तआमुल बच्चों के साथ कैसा था, बच्चियों के साथ कैसा था, प्यारे नबी अपनी बीवियों के साथ कैसे रहते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों के साथ कैसे थे, अपने मातहत या अपने आसपास कमजोर लोगों के साथ कैसा आपका तआमुल था, इन्हीं बातों का जिक्र चल रहा है। पिछले दर्स में कुछ बातें आई थी इस हवाले से कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों से मुतालिक बहुत सारी बातें बताई हैं और ये बातें बड़ी अहम हैं। हम और आप जहाँ रहते बसते हैं, जहाँ हमारी दुकानें ऑफिस होती हैं या जहाँ हमारा डेली कुछ लोगों के साथ उठना बैठना होता है, हमें वहाँ बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि हमारे आस पड़ोस में जो लोग हैं वो हमसे दुखी ना हो, तकलीफ में ना रहे, वरना ये बहुत बड़ा गुनाह है। और इतना बड़ा गुनाह है कि बसा औकात आदमी अगर ध्यान ना दे, तवज्जो ना दे, इसे हल्के में ले तो आदमी जहन्नम में भी जा सकता है। इंशाल्लाह तफसील से इस हवाले से बात होगी। सबसे पहले हम समझ लें कि पड़ोसियों की कितनी किस्में बनती है। पड़ोसी एक लफ्ज है, पड़ोसी तो हम अपने अपने तौर पे जो समझते हैं उतना ही नहीं है, बल्कि पड़ोस का लफ्ज ये बहुत वसी है इस माने में कि मुख्तलिफ अंदाज में अलग अलग पड़ोसी बनते हैं। फिर सारे पड़ोसी भी एक दर्जे के नहीं होते, पड़ोसियों में भी दर्जे अलग अलग हैं। जैसे मुस्लिम रिश्तेदार पड़ोसी, एक मुसलमान भाई, दूसरा हक क्या बढ़ गया कि वो रिश्तेदार भी है, और तीसरी चीज क्या है, वो पड़ोसी। मुसलमान होने के नाते, रिश्तेदार होने के नाते और पड़ोसी होने के नाते तीन तीन हुकूक उस पर बनते हैं। जैसे दो भाई, एक एक घर था जिसमें सारे लोग रह रहे थे, अब बंटवारा हो गया, बंटवारा हो गया, घर का बंटवारा हुआ तो वो आपके बगल में ही आपका भाई है, वो आपका रिश्तेदार भी है, मुसलमान भी है और पड़ोसी भी है, उसका हक आप पर सबसे ज्यादा रहेगा। गांव याद में आप देखें सारे घर आसपास बने रहते हैं, बंटवारा होता है तो उसी आंगन में दीवार खड़ी कर दी जाती है, एक भाई इस तरफ एक भाई इस तरफ, तो वो अपना भाई तो है ही है, उस नाहिए से रिश्तेदार होने के नाहिए से तो उसका हक बनता ही है, पड़ोसी भी है ना, पड़ोसी। ये सारे गुना लग जाएंगे अगर आदमी इन चीजों का ख्याल न रखे। सबसे ज्यादा देखिए गाँव देहात के अंदर आदमी अपने सगे भाई से लड़ता है, एक कुछ सालों तक, कुछ दिनों तक वो न तो रिश्तेदारी का ख्याल कर पाता है, न तो पड़ोसी होने के नाते उसके जो हुकूक बन रहे हैं ना तो उसका ख्याल रख पाता है, न तो उसके मुसलमान होने के नाते ख्याल रख पाता है। पहला दर्जा क्या है जिसमें तीनों चीजें पाई जाए, तो पड़ोसी है, रिश्तेदार है और मुसलमान है। ऐसी दूसरी शक्ल बनती है मुस्लिम गैर रिश्तेदार पड़ोसी। पड़ोसी आपका है, मुसलमान है, लेकिन रिश्तेदारी नहीं, उससे कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन पड़ोसी और मुसलमान होने के नाते उसके हुकूक भी बहुत बनते हैं। ऐसी एक शक्ल यह है कि गैर मुस्लिम रिश्तेदार पड़ोसी, इसको ध्यान से समझे, गैर मुस्लिम है लेकिन आपका रिश्तेदार है और पड़ोसी है, ऐसा कहाँ होता है? ऐसी शक्ल कब बनती है? जब गैर मुस्लिमों में, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में कोई इस्लाम कबूल कर, तो आप तो मुसलमान हो गए लेकिन आपका भाई मुसलमान नहीं हुआ, तो अब गैर मुस्लिम तो है वो लेकिन आपका वो क्या है, पड़ोसी है, उसका हक है, उसके हुकूक की अदायगी होनी चाहिए। या
ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पर जाकर बस जाए, ऐसी किसी जगह पर जाकर के बस जाए, इसकी जो चौथी शक्ल बनती है, गैर मुस्लिम है और रिश्तेदार भी नहीं, लेकिन आपका वो पड़ोसी है, आप किसी ऐसी जगह पर घर ले लें जहां बगल में आपका गैर मुस्लिम कोई है, वो आपका रिश्तेदार भी नहीं लगता है, आपका कुछ लगता नहीं, लेकिन वो आपका पड़ोसी है। ये चारों शक्लें जो बताई गई हैं, या पांचों शक्लें जो बताई गई हैं, ये अलग अलग नाहिये से हम इनको फेस करते रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारा घर तो, हमारे घर के आसपास तो सारे मुसलमान हो, जैसे बिल्डिंग ले लें आमतौर पे सब मुसलमान ही होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमारी ऑफिस भी ऐसी जगह पर हो जहां सब मुसलमान, या हमारी दुकान भी ऐसी जगह पर हो जहां सबके सब मुसलमान हो, लेकिन पड़ोस होने के नाते ये सब इसमें शामिल है। अगर आपके दुकान के जस्ट बगल में, या आपके दुकान के सामने, आपके दुकान के बाएं पीछे कोई गैर मुस्लिम है, उसकी अपनी दुकान है, तो पड़ोसी होने के नाते उसका भी आप पर हक पहुंचेगा, उसका भी आप पर हक बनेगा, उसका आपको ख्याल रखना है। अलग अलग नाहियों से पड़ोस बनता है। एक तो ये कि घर, घर का पड़ोस, घर के बगल में घर है, दाएं है, बाएं, ऊपर है, नीचे, वो सब पड़ोस में शामिल है। और इसमें जो आपके डोर के करीब, आपके दरवाजे के करीब है, इसका सबसे ज्यादा हक बनेगा पड़ोस होने के नाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती है, सही बुखारी की हदीस है, अन आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कुल्तु या रसूल अल्लाह इन्न ली जारैन फइला अय्युहुमा उहदी, قال इला अक्रबिहिमा मिनकी बाबल। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल, मेरे दो पड़ोसी हैं, मेरे दो पड़ोसी हैं, इनमें ज्यादा कौन हक रखता है कि मैं उसको हदिया दूं, कभी कोई तोहफा दूं, कोई हदिया दूं, तो इन दोनों में एक ही चीज है, दोनों को नहीं दे सकती, तो ज्यादा हकदार कौन है? तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि जिसका दरवाजा तुम्हारे दरवाजे के करीब, ये सबसे ज्यादा हक रखता है। यहीं से शुरू होगा, फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे उनका दर्जा कम होता चला जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा करीबी कौन माना गया? जो आपके दरवाजे से करीब हो। तो एक तो पड़ोस घर का पड़ोस होता है, दूसरा पड़ोस दुकान का होता है, आप किसी मार्केट में काम करते हैं, आपके बगल में दूसरे का कारखाना है, दुकान है, उसका भी आप पर हक बनता है, वहां पड़ोसी होने के नाते उनकी तरफ से आने वाली अजियत तकलीफ ये सब बर्दाश्त कर लेना चाहिए और उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे खेत खलियान है, हम सब तो उस माहौल में नहीं रहते, लेकिन कभी अगर आना जाना हो या कभी इस तरह से हालात से गुजरे हैं, तो जाने कि खेत का पड़ोसी, आपका खेत आपके बगल में दूसरे का पड़ोसी, दूसरे का खेत है। अब इसमें अजियत की शक्ल क्या बनती है कि जो मेड होती है, जो खेतों के दरमियान बंटवारे की जो एक निशानी होती है, उसको लोग आगे पीछे करते रहते हैं, घटाते बढ़ाते रहते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं अपने पड़ोसी को, तकलीफ पहुंचाते हैं, वो निशान मिटाते हैं, अपना खेत बढ़ाने के लिए दूसरे की मेड क्या करते हैं, काटने का काम शुरू कर देते हैं। तो ये सब तकलीफ पहुंचाना है पड़ोसी को। तो खेत का भी पड़ोसी होता है, घर का भी पड़ोसी है, ऑफिस का भी पड़ोसी है, दुकान का भी पड़ोसी है, ऐसे खेत खलियान का भी पड़ोसी होता है। ऐसे एक शक्ल जिक्र की, मौजूदा जमाने में पार्किंग का पड़ोसी, इससे भी वो तकलीफ होती, बस आपका कुछ झगड़े इसीलिए होते हैं, समाज माशरे में कुछ झगड़े सिर्फ पार्किंग को लेकर के होते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, इशू बन जाता है वो, आपका पड़ोसी आपकी आपकी पार्किंग है, आपके बगल में जिसकी पार्किंग है वो आपका पड़ोसी है, आपका उस पर हक है, उसका आप पर हक है, और दोनों को इस्लामी तालीमात का पाबंद कर दिया गया, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना है, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम, आपको उसकी वजह से या उसको आपकी वजह से तकलीफ पहुंचाना जायज दुरुस्त नहीं है, नहीं पहुंचना चाहिए तकलीफ। अगर आपका पड़ोसी कुछ जाति करता भी है, तो आपको उसने तआमुल की तालीम दी गई है, उसको बर्दाश्त कर लो, माफ कर दो, दरगुजर कर दो, ये सब हुकूमत में इंशाल्लाह भी जिक्र आएगा। अभी सिर्फ ये बताया जा रहा है कि पड़ोस बनता कहाँ कहाँ पर है। तो एक चीज ये भी है, ऐसी क्लासरूम में अगर आप स्टूडेंट है, आपके बगल में जो बैठता है, आपके आगे जो बैठता है, पीछे जो बैठता है, उनको कुछ तकलीफ ना हो, अजियत ना हो, पढ़ने में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसका आपको ख्याल रखना है। किसी किसी जगह पे आप बैठे हुए हैं और कोई बात बताई जा रही है, बहुत सुकून से सुनना है उसको, आप मेरे सामने बैठे हैं, आप दोनों बात करने लगे, मैं कैसे सुन पाऊंगा? आपके मजलिस का जो पड़ोसी कैसे सुनूंगा? क्लासरूम में दो बच्चे बात कर रहे हैं, पीछे वाला बच्चा या पीछे वाली बच्ची, वो कैसे सुन पाएगी? तकलीफ होगी ना। अपने पड़ोस को तकलीफ ना पहुंचाओ, अपने पड़ोस को
अजियत न पहुंचाओ। ऐसे कभी कभी सफर में कोई पड़ोसी बन जाता है, आपने टिकट बुक किया और एक सीट है जिसमें 3 लोगों को बैठना है, तो ऐसा नहीं कि आप किसी ऐसे अंदाज में उठे बैठे कि आपके पड़ोसी को तकलीफ होने लगे। वक्ती तौर पर ही 24 घंटे के लिए ही, 2 दिन के लिए ही पड़ोसी बना हुआ आपका, लेकिन आपके साथ रह रहा है ना, तो आपकी अपनी सीट है, आप उस पर इसी तरह से रह सकते हैं जिसमें उसका हक ना मारा जाए। इस अंदाज में आप नहीं रह सकते हैं कि मतलब सामने वाला दब जाए, सामने वाला परेशान हो जाए, उसको सोने उठने बैठने में तकलीफ होने लगे, इतना सारा सामान लेके जाए कि अपना हर पूरा केबिन भर जाए, सामान से अपनी पूरी केबिन भर जाए, सामने वाले को जगाने मिले, ऑफिस पर हुज्जत करें, लड़ाई करें, झगड़ा करें। इस्लामी तालीमात के सरासर ये सारी चीजें खिलाफ है। ऐसे ही दीनी भाइयों मस्जिद के अंदर भी वक्ती तौर पर ही सही पड़ोस बन जाता है, इस माने में कि हमारे बगल में जो नमाज पढ़ रहा है, हमारे एकदम बिल्कुल पहलू में है ना, उसको अजियत नहीं होनी चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए उसको। अल्लामा इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह से एक मसला पूछा गया, आप देखिए अपने भाई को तकलीफ पहुंचाने का कितना बड़ा जुर्म है या कितना ख्याल रखा जाता है कि तकलीफ ना पहुंचे। तो अल्लामा इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह से यह सवाल पूछा गया कि तशहुद में जब हम बैठते हैं और अगर जगह कम हो, तंग हो जाए, या सब बंदी के वक्त ख्याल नहीं रख पाए, हमारे बगल में कोई तंदुरुस्त आदमी आ गया, या हमने जितना हमें जगह चाहिए उतना हम नहीं ले पाए, अब जब हम तशहुद में बैठ रहे हैं तो उसको तकलीफ होगी, तो अब तशहुद में कैसे बैठेंगे? तशहुद में बैठते हैं आखिरी तशहुद में, एक पैर निकाल करके बैठते हैं ना, इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है, आखिरी तशहुद में जब बैठेंगे तो एक पैर निकाल करके बैठेंगे, तो अगर उस तरह हम बैठ रहे हैं तो हमारे पड़ोसी को तकलीफ हो रही है, हमारे बगल में नमाज पढ़ने वाले, वैसे तो सारे मुसल्लियों का भी ख्याल रखना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि हम मस्जिद में प्याज खा करके आए, लहसुन कच्ची लहसुन खा करके आए, क्यों मना किया? क्यों मना किया? उस बू से तकलीफ पहुंचती किसको? फरिश्तों को। किससे तकलीफ पहुंचती? फरिश्तों को, जिनको हमने देखा नहीं, जिनसे हमने हमारा मिलना मिलाना नहीं है, जो हमसे शिकायत नहीं कर सकते, जिनकी अजियत हम देख नहीं सकते, उनका ख्याल रखने का इतना हुक्म दिया गया, तो जिसको हम देख रहे हैं, जो महसूस कर सकते हैं कि हाँ इसको बुरा लग रहा है, वो कितनी तकलीफ वाली बात है। एक गाड़ी में 4 लोग बैठे हुए हैं, सब पड़ोस है आपस, उसमें एक आदमी सिगरेट पीने लगा, एक आदमी निकाल के सिगरेट पी रहा है गाड़ी के अंदर बैठ, तो अब बाकी 2 लोग 3 लोग जब बैठे हैं जो नहीं पीते हैं, जो सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो किस अजियत से गुजरेंगे, उतने देर तक कितनी तकलीफ से गुजरेंगे? तो पड़ोस कभी वक्ती तौर पर भी बनता है, मस्जिद में आगे इतने सारे लोग हैं, सब एक दूसरे पड़ोसी होंगे, या किसी किसी मजलिस में बैठे हुए एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, उसमें तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, किसी को अजियत नहीं पहुंचा सकते। तो इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया ये मसला कि अगर ऐसा हो जाए तो कैसे बैठना चाहिए, तो कहते हैं कि तवर्रुक में इस तरह से बैठना, यानी पैर नीचे से निकाल कर बैठना, ये तो सुन्नत है, मुस्तहब है। فَإِذَا كَانَ يُؤْذِي بِهِ إِخْوَانَهُ فَلَا تَوَلَّ, कहते लेकिन अगर इससे अपने भाइयों को तकलीफ पहुंचने लगे, वो हर्ज में पड़ जाएगा, तो आप पैर निकाल के ना बैठे। आप जैसे 2 सजदों के दरमियान बैठते हैं, आप वैसे पड़ जाए। देखिए हालत नमाज में भी इस तरह, यानी एक भाई का ख्याल रखने का हुक्म दिया गया कि आपको रुख्सत दी जा रही, इजाजत दी जा रही कि आप इस तरह से ना बैठे, उसकी पूरी नमाज डिस्टर्ब हो जाए, पूरी नमाज वो परेशान हो जाएगा, उसको अजियत पहुंचेगी। आप हजरत अस्वद को ले लें, हजरत अस्वद को चूमने का एक फजीलत बताई गई है, एक बेहतरीन अमल है हजरत को चूमना, लेकिन अगर ये तकलीफ, ये एहसास हो कि चूमने के लिए हम किसी का पैर कुचल कर जाएंगे, किसी के जिस्म पर चढ़ के जाएंगे, किसी को धक्का मार के जाएंगे, तो मना कर दिया गया कि नहीं फिर आप दूर से ही इशारा कर दो, आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं। ये ऐसा क्यों है? ताकि तकलीफ ना पहुंचे, अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचे। पहले सब में नमाज पढ़ने की फजीलत है ना, कितनी बड़ी फजीलत, पहले सफ में या अगली सफों में रहना, पहली नसई, दूसरी सही, दूसरी नसई, तीसरी सही, अगली सफों में रहने की एक फजीलत है, फायदा है। लेकिन अगर कंधे फलांग कर आगे आना हो तो मना कर दिया गया, आप कंधे फलांग करके आगे नहीं जाएंगे, आपको गुंजाइश दिख रही है लेकिन फिर भी आप अपने भाइयों को तकलीफ पहुंचाते हुए आगे आए, इससे मना कर दिया गया। हाँ बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं तो आप चले जाए, या आपके जाए न जाए चारा नहीं तो आप इजाजत लेकर के इशारा करते हुए चले जाए। मिसाल के तौर पर मस्जिद में आना है, खतीब को आना है, अब खतीब के बगैर तो आगे खुतबा ही नहीं होगा, वो आ रहे अपने हिसाब से लेट पहुंचे, या वैसे भी हुक्म है कि खतीब जुमा सीधा किस पर आएंगे, मिंबर पर आएंगे, तो वो मिंबर पर आने के लिए वो अगर इशारा कर रहे हैं हल्का फुल्का और उसके बाद आ रहे हैं, तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है,
लेकिन आपके आगे जाए बगैर काम चल जाएगा ना, तो अब आप अपने भाइयों को अजियत और तकलीफ में डाल करके आगे ना जाएं, इसका बड़ा ख्याल रखा जाएगा। तो दीनी भाइयों देखिए ये कुछ बातें बताई गई, किस किस तरह का पड़ोस बनता है और किस किस तरह हम अपने पड़ोसियों का मकाम मर्तबा समझे, उनकी कैटेगरी को समझे, ताकि हमें उस पर अमल करना आसान हो सके। पहला हक इस हवाले से मैं बताऊंगा, सबसे पहला हक जो एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी पर बनता है, पहली चीज ये है कि आपकी जात से उसको कोई अजियत ना पहुंचे। अजियत का लफ्ज बहुत वसी है, किसी भी तरह से उसको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। प्यारे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रावी हदीस कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ी जारा, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, आखिरत पर ईमान रखता है, फला युज़ी जारा, वो अपने पड़ोसी को अजियत ना पहुंचाए, तकलीफ ना पहुंचाए। वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफा, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, आखिरत पर ईमान रखता है, वो मेहमान नवाजी करे। इंशाल्लाह ये मज़मून भी आएगा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआमुल मेहमानों के साथ कैसा था। आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो आप मेहमान नवाजी कैसे करते थे, मेहमानों के क्या हुकूक है, इस हवाले से भी बात आएगी। ऐसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, कि जिसका अल्लाह पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है, उसे चाहिए कि भली बात कहे, भली बातें कहे, नमाज का हुक्म हो गया, अपने भाइयों को नमाज की तरफ बुलाए, कोई और खैर का काम है उसकी तरफ लोगों को बुलाए, औ लियस्मुत, अगर कोई खैर की बात नहीं है तो भी क्या करे, वो चुप रहे, खामोश रहे। इस हदीस में देखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह पर ईमान रखने वाले और आखिरत पर ईमान रखने वाले, ये हवाला दिया, अल्लाह पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है, फला युज़ी जारा, वो पड़ोसियों को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। वो पड़ोस का बड़ा ख्याल रखता है, अपने ऑफिस के पड़ोस का, अपने पार्किंग के पड़ोस का, अपने घर के पड़ोस का, अपनी दुकान के पड़ोस का, अपने खेत के पड़ोस का, जो भी उसके बगल में है, मस्जिद में है तो यहाँ के पड़ोस का, क्लासरूम में है तो वहां के पड़ोस का, अपने पड़ोसियों को वो दुख नहीं पहुंचाता, तकलीफ नहीं पहुंचाता, बड़ा ख्याल रखता है। कौन? मोमिन, अल्लाह पर ईमान रखता है, आखिरत पर ईमान रखता है। तकलीफ पहुंचाने की मुख्तलिफ शक्लें, शक्लें तो बहुत एक हो सकती हैं, आप लोग भी बता सकते हैं कि देखिए ऐसे भी तकलीफ पहुंचती है, लेकिन चंद एक मैं जिक्र करूंगा कि जिससे आमतौर पर पड़ोसी परेशान होता है। उसमें पहली चीज दीनी भाइयों यह है, सफाई सुथराई का ख्याल न रखना, गंदगी, कोई चीज कॉमन होती है उसको एक अगर चाहे साफ रखना तो वो साफ नहीं रह सकती, सारे लोग मिलके चाहेंगे तो सफाई हो जाएगी, लेकिन एक की बस की बात नहीं होती, या एक अगर सफाई करे और दूसरा उसमें बार बार गंदगी करे तो दूसरा तंग आ जाता है कि मैं कितनी सफाई करूं, और ये तकलीफ पहुंचती है। अब एक फ्लोर पे चार घर है, एक चाहता कि साफ सुथरा रहे, बाकी दूसरा आकर के वो उसके यहाँ कोई तरतीब नहीं, हाँ उसको मैला कुचैला कर देता, गंदा कर देता है, कुछ खा के फेंक दिया, कुछ पी के फेंक दिया, हाँ वहीं पर थूक दिया। अब देखिए सारी बिल्डिंगों का हाल देख ले आप, जीना देखे, जीना जिसे चढ़ के जाते हैं, जितने लोग पान गुटखा तम्बाकू सब खाते हैं, ये पूरा अलग कलर के रहते हैं, जीने का एक अलग कलर होता है, थूक थूक के पूरे लाल के रहते हैं, ये उससे गुजरने वाला पड़ोसी की तकलीफ नहीं होगी, जो जिसको कराहियत है उससे उससे क्या होगी, तकलीफ होगी, वही खा करके वही थूक दिया, लिफ्ट में थूक दिया, यहाँ वहां थूक दिया, तो उससे क्या है, नफीस तबीयत का आदमी जिसको गंदगी पसंद नहीं है, चल पसंद तो उनको भी नहीं रहती है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कुछ चीजों में आदमी बेहिस हो जाता है, उसी से कहा जाए कि अपने फ्लैट में बैठे हो वैसे थूक दो, हॉल में थूक दो, नहीं थूकेगा, उठ के जाएगा वॉश बेसिन में थूकेगा या टॉयलेट बाथरूम में थूकेगा, ताकि गंदगी ना, लेकिन अपनी बिल्डिंग के बाहर का एरिया वहां थूकना रहे तो सबका है, तो आदमी वहां ख्याल नहीं करता, थूक देता है, वो थूक देख करके अपने पड़ोसियों को जो तकलीफ पहुंचती है, ये भी गुनाह है। हमारे पड़ोसी जो तकलीफ में मुबतला होते हैं, वो थूक देख करके, वो पिस देख करके, वो गंदगी देख करके, ये क्या है, गुनाह। गंदगी का मतलब आदमी सबब बना रहे, सफाई का ख्याल न रखे, तो पड़ोसियों को इस तरह भी अजियत पहुंचाई जा रही है। बहुत सारे पड़ोसी सिर्फ इस वजह से बहुत परेशान रहते हैं। अब यकीन मानो, सफाई पसंद आदमी अगर ऐसे जगह पे उसका घर है कि उसका बगल का पड़ोसी ये सारी गंदगी करते रहता है तो वो दर्द सर बन जाता है। एक दिन की बात नहीं ना, दो चार दिन की बात है, चलो ठीक है, हफ्ते की बात है, बर्दाश्त कर लो। आपने उसके बगल में घर ले रखा है,
आपकी आदत है लिफ्ट में थूक देना या बिल्डिंग में थूक देना, उसकी नजर डेली पड़ती, उसको तकलीफ होती। अब ये अपने पड़ोसी को लगातार तकलीफ में रखना बहुत बड़ा गुनाह, लगातार मुसलसल अजियत में रखना। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई कि सआदत की बात है कि आपको अच्छा पड़ोसी मिल जाए, ये खुशनसीबी है कि आपको अच्छा पड़ोसी मिल जाए। अगर आपने ऐसी जगह घर लिया जहाँ पड़ोस आपको अच्छा मिल गया तो आप बहुत खुशनसीब आदमी, वरना पड़ोसी अगर तकलीफ पहुंचाने वाला मिल जाए तो आदमी चाहे जितना महंगा घर ले ले, चाहे बेहतरीन, चाहे जितने अच्छा डेकोरेशन करा ले, सारी सहूलत में पड़ोसी अगर अच्छा ना मिले तो आदमी परेशान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, उसका सारा सुख चैन सब खराब हो जाएगा। अगर हम खुद ऐसे हैं तो अपनी इसलाह करें, अगर हमारा पड़ोसी ऐसा है तो सब्र करें, अल्लाह से दुआ करें, उसकी इसलाह की बातें करें। तो दीदी भाई, एक एक अजियत पहुंचाने की शक्ल क्या है, सफाई सुथराई का ख्याल रखना, गंदगी करते रहना। दूसरी चीज है आवाज के जरिए तकलीफ पहुंचाना, आवाज के जरिए तकलीफ पहुंचाना। अभी दो तीन दिन पहले की बात है, रात में तकरीबन 1 बजे, रात में तकरीबन 1-1.5 बजे कहीं से दुल्हन लेकर के आए, कुछ लोग गए होंगे कहीं दूर, दुल्हन लेकर के आया, उसके बाद लगातार 20 से 25 मिनट तक पटाखे दग रहे। बच्चा अगर सो रहा हो तो चौंक करके जाग रहे, एकदम हाई फाई पटाखे जो बचते हैं लगातार 20 से 25 मिनट, लाखों रुपए का पटाखा फूटा, वो तो उसका अपना गुनाह अलग है, लेकिन जो लोग जल्दी सो जाते हैं, 11-12 बजे सो जाते हैं, जिनको जॉब पे जाना रहता है, बच्चों को स्कूल जाना रहता है, कॉलेजेस जाने होते हैं, वो चौंक चौंक कर उठ जाए। आपके घर में शादी ठीक अच्छी बात है, लेकिन आप लाखों की बिल्डिंग अंदर शोर हंगामा करें, डीजे बजवाए, गाना बजवाए रात में 1 बजे 1.5 बजे 2 बजे तक, किसी वक्त भी जायज नहीं, लेकिन अजियत और तकलीफ की जो नौयत होती है वो अलग अलग होती है ना। एक कभी कभी आदमी सिर्फ नापसंद करता है, कभी कभी आदमी के लिए काबिले बर्दाश्त नहीं रह जाता, इतना आदमी तकलीफ और कुल्हड़ में चला जाता है। रात में 1 बजे आपके यहाँ बारात आई है, आप दूल्हा लेकर के आए, आप पूरी पूरे बिल्डिंग को परेशान किए हुए, क्या करेगा आपको, आपके पास सिर्फ इतना है भाई शादी का माहौल, आप तो खाली इतना कह देंगे, लेकिन कोई बीमार हाँ सोना चाह रहा है वो सो नहीं पाएगा, किसी घर में ज़ईफ़ा है, बूढ़ी औरत है, छोटा बच्चा है, उनकी माँ से पूछो, उसके घर वाले से पूछो कितनी अजियत और कितनी तकलीफ में आपने डाल रखा उन्हें। आवाज के जरिए तकलीफ पहुंचाना, आवाज के जरिए। मस्जिद में अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई नमाज की हालत में, तो ये भी जायज नहीं कि बगल वाला कुरान की तिलावत जोर से करे, आवाज के साथ तिलावत नहीं करेगा, या तो रुक जाए या इतनी मध्यम आवाज में पढ़े कि उसको डिस्टर्ब ना हो, या जगह बदल ले। यहाँ कोई नमाज पढ़ने लगा तो आदमी जगह बदल ले, कहीं और जाकर कुरान पढ़ने लगे, लेकिन उसको तकलीफ नहीं पहुंचा था। आवाज किस चीज की है, आवाज किस चीज की, कुरान की तिलावत की है ना, अल्लाह का कलाम, लेकिन उससे भी किसी को अजियत नहीं पहुंचाई जा सकती, उससे भी किसी को अजियत नहीं पहुंचाई जा सकती। एक तो देखिए आदमी अपना गलती कर बैठा, ऐसी जगह जाके घर ले लिया जहां नहीं लेना चाहिए था उसको, अब उसके पड़ोसी हैं नाचने गाने वाले ही है सब, हाँ उनके यहाँ नाचना गाना आम बात है, वहां वो ये शिकायत करे कि देखो यार सब तकलीफ पहुंचाते हैं, तो वो गलत है, तो आपको पहले देखना चाहिए था आप ऐसी जगह जहां क्यों गए जहां पर ये सब चीजें आम बात मानी जाए, जहां इसको गुनाह ना माना जाए, या जहां वो लोग समझते हो कि ये हाँ किसी तरह से तकलीफ डाल है, कि गवर्नमेंट की तरफ से इसमें भी रूल्स हैं, 10 बजे के बाद आप ऊंची आवाज नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, सारे रूल रेगुलेशन है वहां भी है, लेकिन दीनी नाहिए से जहां आप ऐसी जगह पे चले जाए जहां गाना बजाना नाचना कुल्हड़बाजी करना कोई जुर्म ना समझा जाए, बुराई ना मानी जाए, तो वहां तो आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन आप ऐसी सोसाइटी में ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जहां मुस्लिम आबादी है, तो वहां तकलीफ की वजह ये भी होती है कि अपना मुसलमान भाई होकर के और इस तरह की हरकतें कर रहा है, इस तरह की तकलीफें पहुंचा रहा है। तो आप देखें पड़ोसी को तकलीफ ना हो इसलिए कुरान की तिलावत भी पस्त आवाज में करनी है आपको, लेकिन नमाजी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसका इतना ख्याल रखना है। यहाँ एक बात और बताऊंगा, अपने और गैर जरूरी मौके पर या जब जरूरी ना हो या सहमति ना हो रजामंदी ना हो तो आवाज के जरिए दीनी काम भी नहीं किया जा सकता। आपको अपने अपने इसी बिल्डिंग के लोगों को नमाज के लिए बुलाना है, एक टाइम बता दिया गया है, ग्रुप में मैसेज जाकर सारे लोग जानते हैं, फिर भी आप ऐसा स्पीकर लगाएं कि चारों तरफ आवाज गूंज जाए, ये कोई शरई अमल नहीं, शरई अमल नहीं है इसमें। अगर हाँ आस पास अगर 2-4 घर भी गैर मुस्लिम रहते हैं
जिनको उससे तकलीफ पहुंचना शुरू हो जाए, तकलीफ इस माने में कि वो देख रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। जहां जरूरत वो बात अलग, वो बात की जा सकती है कि देखिए भाई हमारी जरूरत है, हम लोगों को इससे इसी के जरिए बुलाया जाता है, सारे लोग मुसलमान हुआ तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होगा। लेकिन नमाज हो रही है, नमाज की करत पूरे मोहल्ले में गूंजे, इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत है कि नमाज की करत पूरे मोहल्ले में गूंजे? ये अल्लाह के नबी ने कोई तालीम दी है कि नहीं ऐसा आपको करना चाहिए? हाँ, अजान एक मतलब समझ आता है कि अजान पे मेरी आपको सबको बुलाना है, तो उसकी जहां इजाजत है वहां इजाजत में रहते हुए जो शराइत है उसका ख्याल रखते हुए आदमी उसकी पासदारी कर ले। लेकिन अब ये तकरीर हो रही है, ये तकरीर पूरे गुमराह शहर में पहुंचे, पूरे उसमें गूंजे, इसकी क्या जरूरत है? तो अपने लोग भी बसा औकात ऐसी हरकतें करते हैं जो शरई ना ये अखलाकी तालीमात के मुताबिक नहीं है और गलत है, वो गलत है। उसका उसको बढ़ावा इसलिए या उसके खिलाफ अपने लोग ज्यादा खुल के इसलिए नहीं बोलते और नहीं बोलना चाहिए कि इससे दूसरों को हिम्मत मिलेगी कि इनके अपने लोग भी इसके खिलाफ बोलते, लेकिन अपने लोगों को समझाना चाहिए, अपने लोगों को समझाना चाहिए कि इस्लाम का ये हिस्सा नहीं है कि आप फजर के वक्त ही सलातो सलाम के नाम पर 20 मिनट 25 मिनट तक आप स्पीकर पर पूरा शोर मचाएंगे। ना तो वो दीन है, और ना तो अगर थोड़ी देर के लिए माना जाए आप इसको दीन भी समझ रहे हो तो दीनी ना ये सभी अल्लाह के रसूल की तालीम ये नहीं कि आप अपनी इबादत की आवाज पूरे शहर को सुनाए, ये तो कहीं नहीं है कि पूरे शहर को सुनाए। आप बताएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, लंबी क़िरात करना चाहते, फिर भी कितना ख्याल रखते थे कि पीछे से अगर कोई इमाम को तकलीफ होने लगी तो आप अपनी क़िरात छोटी कर लेते, क़िरात छोटी कर देते थे नमाज ताकि जल्दी हो जाए और माँ को अजियत ना हो, माँ उस अजियत में तकलीफ से बाहर आ जाए। बार बार हदीस सुनते रहते हैं। अब आप स्पीकर पर कोई ऐसी चीज शुरू करें जिससे सारे लोग डिस्टर्ब हो, परेशान हो और आप उसको इबादत समझते हो, तो ये इबादत की रूह के खिलाफ है। हाँ, जो चीजें शरीयत में हमारी जरूरियात में है यानी जरूरी करार कर रखा है शरीयत ने, उसके लिए जो दायरा जो हद दिया है उस हद में रहते हुए हम करें, वहां आके कोई हम पर प्रेशर बनाता है, कोई हमें डिस्टर्ब करता है, तो वहां हम अपनी आवाज उठा सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, हम अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, इससे किसी को क्या तकलीफ है, इससे किसी को क्या तकलीफ है। लेकिन हम यही रोड पे नमाज पढ़ना शुरू कर दें, रास्ते में चटाइया बिछा करके वही नमाज पढ़ना शुरू करें, नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, अपने लोग हैं बर्दाश्त कर ले, ना कुछ कहे तो अलग मसला है, लेकिन ये इस्लाम की तालीमात के खिलाफ भी है और शरीयत के खिलाफ भी, समाज के खिलाफ भी, समाज में भी इस तरह का अमल ये काबिल कबूल नहीं होता। तो आवाज के जरिए भी बहुत तकलीफ पहुंचाई जाती है, ऐसे ही निगाहों से तकलीफ पहुंचाना, आंखों से, आंखों के बारे में है कि आंखें कंट्रोल में रहे, निगाह पस्त होनी चाहिए। पड़ोस, आपका पड़ोसी, जाहिर सी बात है एक घर में बहु बेटियां भी होती हैं, उसमें हाँ पर्दे का बड़ा ख्याल होना चाहिए। अब आपके पड़ोसी है, उसके घर में जवान बच्चियां हैं, वो घर से निकलती हैं और आप अपनी नजरें अगर कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो वो भी उससे डिस्टर्ब होगा, परेशान होगा, आपकी बच्ची भी परेशान हो सकती है, उसकी बच्ची भी परेशान हो सकती है। ये सब बेहयाई और बुरी चीज तो है ही है, उसके साथ साथ पड़ोसी को भी अजियत और तकलीफ पहुंचाना है। इसका पहले लोग शराफत का इतना ख्याल रखते थे कि जमाने जाहिलियत में इस्लाम आने से पहले की बात बता रहा, इस पर फख्र करते थे कि हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है, वो हमारे घर की औरतों को देखता नहीं। एक शेर है अंतरा नामी एक शायर गुजरा है, तो उसने कहा था, वह अगुज तरफी इन बदत भी जावती हत्ता युवारी जावती महवाह, कि मैं अपने निगाहें पस्त किए रहता हूँ यहाँ तक कि मेरी पड़ोसी पड़ोसन वो निकल करके अपना काम करके तो वापस घर पर चली जाती, अपनी निगाहें पस्त रखता हूँ, यानी उससे तकलीफ नहीं, उसको ये ना लगे मुझे कोई ताक रहा है, मुझे कोई झांक रहा है, तो इस तरह से मैं अपनी निगाहें नहीं रखता हूँ। और ऐसे कहा कि माजर व जारी इदा अजाऊ, एक शायर कह रहा है कि मैं जिसका खुलासा बता रहा हूँ कि वो ये कह रहा है कि मेरी पड़ोसी मैं मेरी पड़ोसन जब गुजरती है या घर से बाहर निकलती है तो मैं गोया कि अंधा बन जाता हूँ। क्या बन जाता हूँ? अंधा, जैसे एक अंधा नहीं देखता है ऐसे ही रहता हूँ, मेरी निगाहों से उसको कोई तकलीफ ना पहुंचे, कोई अजियत ना पहुंचे। पड़ोसी का एक हक ये भी है कि उसको किसी तरह से तकलीफ ना पहुंचाई जाए, ऐसी तकलीफ पहुंचाने की वजह जगह तंग कर देना, जगह तंग कर देना, कॉमन कोई चीज है सबकी है उसमें अपना ही कब्जा करके बैठ जाना, ज्यादा से ज्यादा
अपने इस्तेमाल में उसको ले आना, दूसरे लोगों के इस्तेमाल इस्तेमाल में ना देना, इस तरह से ये जगह कब्जा कर लेना, लड़ाई झगड़ा करना, चोरी करना, चोरी की बहुत सारी वारदात में पड़ोसी शामिल होते हैं, चोरी की बहुत सारी वारदात में पड़ोसी शामिल होते हैं। और एक बात यहां बताओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिना वैसे भी गुनाह है, जिनाकारी वैसे भी गुनाह है किसी भी औरत से किया जाए, लेकिन पड़ोस से जिना करना ये दूसरे गुनाह के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक है। कोई पड़ोसन से अगर जिना करता है, कोई पड़ोसी में अगर जिना करता है, ऐसे पड़ोस के साथ पड़ोस के घर चोरी करना, पड़ोस में चोरी करना, ये ज्यादा गुनहगा ज्यादा गुनाह वाला अमल है। क्यों? उसको आपके जरिए फायदा पहुंचना था, नुकसान नहीं। होना तो ये चाहिए कि उसकी इज्जत आबरू उसके माल की हिफाजत वाले आप बनते, लेकिन आपने क्या किया, या आपके जरिए अगर ऐसा हुआ कि उसको अगर तकलीफ पहुंची है तो इस वजह से आपका गुनाह ज्यादा है कि आप मुहाफिज थे, आप क्या थे, मुहाफिज थे। और मुहाफिज ही क्या बन जाए, चोरी करने लगे, मुहाफिज ही गलत काम करने लगे। तो एक बात यह है कि पड़ोसी को अजियत पहुंचाने की जो मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं सब शरीयत में हराम है, नाजायज है। दूसरा हक यह है पड़ोसी का कि अगर उससे कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसकी तकलीफ और अजियत को हम जब तक हो सके हत्तल इम्कान बर्दाश्त करें। इस मसले को समझे, हम तकलीफ ना पहुंचाए ठीक है, हम नहीं पहुंचाते। कभी ऐसा हो जाए हमारा हमारा पड़ोसी हमें तकलीफ पहुंचाने लगे तो उसमें इस्लाम की क्या तालीम है, मारो झगड़ो लड़ाई करो उससे, क्या करोगे? नहीं, उसमें आला अखलाक की तालीम दी गई है कि जहां तक हो सके आदमी को बर्दाश्त करना चाहिए। इदफा बिल्लती, अल्लाह के रसूल अल्लाह सुब्हानहु तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि इदफा बिल्लती हिया अहसनुस सय्यिअ, कि तुम बुराई का दिफा बुराई से रखो। तुम्हारे साथ किसी ने बुराई की है तो तुम भी बुरे मत बन जाओ, तुम अपने अखलाक पर कायम रहते हुए उससे अच्छे से खुश अखलाकी से उसके साथ पेश आओ। ऐसे अल्लाह ने फरमाया वलमन सबर व गफरा इन ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, जो आदमी सब्र से काम लेता है, दरगुजर करता है, नजरअंदाज इग्नोर करता है, माफ करता है, तो ये बहुत हिम्मत वाला काम है। तो क्या है, बहुत हिम्मत वाला काम है। ऐसे हसन रहमहुल्लाह कहते हैं लैसा हुस्नुल जिवार कफ्फुल अज़ा, हुस्नुल जिवार अस्सब्र अलल अज़ा, कहते हैं बेहतरीन पड़ोसी का हक ये नहीं है कि आप उसे तकलीफ न पहुंचाकर खुश हो जाए कि मैं तो तकलीफ नहीं पहुंचाता हूं तो मैं अच्छा पड़ोसी, मैं तकलीफ नहीं पहुंचाता हूं तो मैं अच्छा पड़ोसी। बेशक आप अच्छे पड़ोसी हैं, आप तकलीफ नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर आपका पड़ोसी आपको तकलीफ पहुंचा रहा है तो आप सब्र कर ले जाते, आप बर्दाश्त कर ले जाते हो, ये बेहतरीन पड़ोसी होने की दलील है। क्या आप उसको क्या कर ले जाते हो, बर्दाश्त कर ले जाते, दोनों खूबी होनी चाहिए। तकलीफ नहीं पहुंचा रहे और अगर कभी उससे तकलीफ पहुंच रही है, इसकी भी हद होती है, आदमी बहुत ज्यादा बर्दाश्त भी नहीं कर पाता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत छोटी सी बात को भी शैतान इशू बना देता है, शैतान दिलो दिमाग में ऐसा उसको सवार कर देता है कि फिर आदमी अपने पड़ोसी से लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, और रहना वही है, रहना वही है। तो ये तालीम दी गई है कि उससे बच बचा कर सब्र करके कैसे आप तआमुल करें ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो उसके और आपके दरमियान इख्तलाफ ना हो, तो उसमें तालीम क्या दी गई, आप सब्र कर लें। कभी कभी खास मौके पर भी लोग सब्र नहीं करते, जैसे पिछले दर्श में भी मैंने समझाया था कि पड़ोसी में शादी है, पड़ोस में शादी है, अब खिलाफ तवक्को या आम दिनों से हद करके उसके यहाँ ज्यादा मेहमान आएंगे, लिफ्ट ज्यादा यूज होगी, हो सकता है बाहर का कॉरिडोर भी इस्तेमाल में आ जाए, मुमकिन है कुछ गंदगी भी हो जाए, तो अब आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपका पड़ोसी है, कोई खुशी की बात है, तो अब कट टू कट नहीं चल सकते आप उस दिन, कट टू कट नहीं चल सकते, थोड़ा सा अपना दिल कुशादा रहे कि ठीक है भाई इसके यहाँ कोई मामला है, आप दुकान की ओपनिंग कर रहे हैं या आपका पड़ोसी ओपनिंग कर रहा है, तो उस दिन थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ जाएगा आपकी दुकान पर, उसके यहाँ मेहमान आएंगे, उसके यहाँ कुछ और, तो पड़ोसी की तरफ से जो अजियत कभी आ भी जाए तो उसको क्या कर लेना चाहिए, बर्दाश्त कर लेना, उस पर आपको सवाब मिलेगा, अल्लाह की तरफ से उस पर आपको अजर मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे हुकूम है पड़ोसियों के, मैंने शुरू में ये बात समझाई थी आप लोगों की कि सीरत का मतलब तीन चीजें हैं, अल्लाह के नबी ने जो फरमाया ये भी सीरत है, अल्लाह के नबी ने जो करके दिखाया ये भी क्या है, सीरत है, और अल्लाह के नबी जिन हालात से गुजरे वो भी क्या है, सीरत है। तो हमारा फोकस सिर्फ ये नहीं है कि हम जिन हालात से गुजरे वो पूरी कहानी जल्दी जल्दी सुना दें,
कि देखिए अल्लाह के नबी बच्चे थे, फिर ऐसे बड़े हुए, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, नहीं। हमारा मकसद ये है कि उसके साथ साथ अल्लाह के नबी की जिंदगी के जो मुख्तलिफ पहलुओं पर जो तालीमात है, उन तालीमात को साथ साथ में लेकर चले, ताकि हमें इस मौजू का भरपूर फायदा हो सके। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जो बातें बताएंगे हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।